सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ में जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को लाइक करें ताकि वहाँ भी हम जो वीडियोस डालते हैं अच्छी क्वालिटी का एनिमल उनकी वीडियो आपको मिलती रहे। आज की वीडियो हम बिल्कुल साधारण किसान के यहाँ से लेके आ रहे हैं, हरियाणा नस्ल की गाय की। हरियाणा नस्ल जिसकी आज गर्मी के सीजन में अगर दूध की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है और सबसे ज़्यादा दूध देने की कैपेसिटी अगर इस गर्मी के सीजन में कोई गाय रखती है तो वो हरियाणा नस्ल है, क्योंकि हरियाणा नस्ल को गर्मी सबसे कम लगती है। तो हम आज जिस फार्मर के यहाँ पे हमारी विजिट है उनसे मिलवाते हैं और गाय के बारे में जानेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। भाई साहब अपना गांव कौन सा है? मेरा गांव है जी चांग, चांग रोड। और जिला कौन सा लगता है? दादरी जी। और तहसील? तहसील चरखी दादरी। नया नया अभी जिला बना है आपका ना? तो एक गाय अभी कैमरे के सामने, कौन से ब्यांत की भाई साहब? तीसरा। तो आपके घर की तैयार की हुई है या खरीदी हुई है? या घर की तैयार की हुई है। तो पहले ब्यांत में कितना दूध दिया था? इसने सेकंड लैक्टेशन में 18 किलो दूध। अच्छा, सेकंड में 18 और फर्स्ट में? फर्स्ट में सर जी 16 किलो। 16 किलो। अभी तीसरी बार है? हाँ जी। तो अभी प्रेग्नेंट है, कितना टाइम बाकी है? 10 दिन बाकी है। 10 दिन। इस बार किस दूध की उम्मीद हो रही है भाई? 18-19 किलो दूध की उम्मीद कर रहे हो। तो देखिए हरियाणा नस्ल की गाय, जो भाई स्पेशल एक डिमांड रहती है कि आप हरियाणा नस्ल की कवरेज कम करते हो, क्योंकि गाय को सेल परचेज में उतारने का हमारा कोई मकसद नहीं है। बाकी बात करें क्वालिटी की तो गाय आप देख सकते हैं, सबसे मेन चीज जिस पे मैं आपका फोकस करवाना चाहूँगा, गाय में जो हम्प है या कुकुंद हम बोलते हैं वो एक देसी गाय को प्रमाणित करता है कि देसी में जैसे साहिवाल, गिर और हरियाणा नस्ल, इनमें आपको ये कुकुंद देखने को मिलेगा। गाय काफ़ी अच्छी लेंथ हाइट और जो इसके आर्डर की क्वालिटी की बात करें, एक बार खोल लो भाई साहब इसको, तो बिल्कुल जो आगे के थन थोड़े बड़े साइज में और पीछे के छोटे, क्योंकि गाय के थन आगे के हमेशा बड़े होते हैं, बिल्कुल मुठिया आकार के और बिल्कुल शांत स्वभाव की। ये देखिए पीछे से आपको इस टाइप का आर्डर हरियाणा नस्ल की गाय में काफ़ी कम मिलेगा। ये देखिए थोड़ा फुर्तीली नस्ल मानी जाती है देसी हरियाणा, थोड़ी भागदौड़ भी करेगी और 18-19 किलो दूध अगर कोई गाय देती है तो हरियाणा गवर्नमेंट भी उसको 25,000 से 30,000 रुपए का जो एक मिल्क रिकॉर्ड पे प्राइस रखा है वो मिलता है। लेकिन सिंपल किसान के यहाँ पे है और इसकी जो आर्डर क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन, ये देखिए, और बिल्कुल सब आवाज शांत है, थोड़ा कैमरे को देख के भागदौड़ कर रही है। पीछे से दिखाना चाहेंगे जो इसका जो अडर का साइज है, एचएफ जर्सी में जो होता है उस टाइप का अडर है, पीछे से चौड़ा भी है। अभी टाइम के हिसाब से मैं कहूँगा कि और भी अच्छा अडर बना के लेके आएगी। भाई साहब और कोई खासियत आपके पास तैयार की आपने गाय? खासियत इसके कमर के ऊपर त्रिशूल को निशान है, त्रिशूल का निशान है। ये देखिए दिखाना चाहेंगे जो इसकी कमर पे, भाई ने शुरुआत में भी फोकस करवाया था, त्रिशूल का निशान है। जो ये एक जो देसी माहौल के आदमी होते हैं वो इन चीज़ों को शुभ मानते हैं, जो काफ़ी कम मिलता है। जैसे काफ़ी भाई हैं जो चांद के निशान को मानते हैं या त्रिशूल का निशान इसकी कमर पे है। और कोई भी भाई अगर इस गाय को खरीदना चाहता है 17-18 किलो 19 किलो दूध, अगर हरियाणा नस्ल 15 किलो से ऊपर दे रही है तो काफ़ी अच्छी है। देखिए अडर हमेशा हरियाणा नस्ल का आगे की तरफ से आपको बारीक। साधारण किसान के यहाँ पे वीडियो बनाने का जो प्रयास है कि जो इस गाय को सेल परचेज में उतारते या किसी बड़े डेयरी फार्म पे होती वो चीज़ अलग होती, लेकिन हमारा प्रयास है कि छोटे से छोटे पशुपालक की वीडियो हमारे चैनल पे आए। उसी में आज की वीडियो हम ये चांग रोड गांव से लेके आ रहे हैं। भाई अपना मोबाइल नंबर बता दे। मोबाइल नंबर है 8533। हाँ जी 12868। 12868। किसी भी तरह की अदर जानकारी के लिए आप भाई से संपर्क कर सकते हैं और इस गाय के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। ये गाय बिक्री के लिए उपलब्ध है। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।